is Prakul, and today we'll be learning how to play this song, Give Me Some Sunshine, from the movie Three Idiots, brought to you by Front Row. So, इस song के singer है सूरज आगन, and उन्होंने ये song बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरह से गाया है. I believe this is the perfect beginner song because इस song को play करने के लिए सिर्फ 3 chords की ज़रूरत पड़ती है, and even those 3 chords are very, very simple. So I recommend this song to every beginner because मैंने भी अपनी music journey इसी song के साथ start करी थी, and I think that this song is a perfect combination of simplicity and awesome music. And after you're done playing it, आपको confidence आएगा that you can now move on to, you know, difficult songs. So I'll try to teach you this song in the best way possible, and if you have a guitar, try to follow me and play along. So starting with the C chord. सी कॉर्ड को प्ले करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पर रखेंगे, आप मिडिल फिंगर को सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर रखेंगे, एंड आप रिंग फिंगर को थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर रखेंगे, एंड दैट इज द सी मेजर. नाउ सी मेजर से एफ मेजर पे ट्रांजिशन करना इज वेरी वेरी ईजी, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स. ऑफकोर्स इफ यू नो हाउ टू प्ले अ बार कॉर्ड, तो एफ मेजर को हम बार कॉर्ड की तरह प्ले करेंगे, तो इट साउंड्स मच बेटर. बट फॉर द बिगिनर्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई नो. सो सी से एफ मेजर पे ट्रांजिशन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम मिडिल और रिंग फिंगर को एक एक स्ट्रिंग नीचे शिफ्ट कर देंगे. सो मिडिल फिंगर हो जाएगी हमारी फोर्थ स्ट्रिंग से थर्ड स्ट्रिंग पर, एंड हमारी रिंग फिंगर हो जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग से फोर्थ स्ट्रिंग पर. सो हम इन 3 स्ट्रिंग्स को जो प्ले करेंगे, तो दिस इज द एफ कॉर्ड. ऑफ कोर्स इसको आप थोड़ा एक यू नो ऊपर लेवल लेके जा सकते हैं. व्हाट यू डू इज आप रिप्लेस कर दो रिंग फिंगर को पिंकी फिंगर से, एंड रिंग फिंगर को रखेंगे थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, एंड देन यू प्ले द 4 स्ट्रिंग्स, एंड दैट इज द एफ कॉर्ड. ऑफ कोर्स इफ यू नो हाउ टू प्ले द बार कॉर्ड, तो बार कॉर्ड के लिए आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स फिंगर को कवर कर देंगे फर्स्ट फ्रेट पे, सो दैट इज द एफ मेजर. कमिंग टू द जी मेजर, जी मेजर के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे हम सेकेंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर को रखेंगे थर्ड फ्रेट के सिक्स्थ स्ट्रिंग पर, और रिंग फिंगर को रखेंगे थर्ड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर, एंड दैट इज द जी कॉर्ड. जी कॉर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है विच आई रियली लाइक, बिकॉज उसमें जी कॉर्ड के अंदर एक रिचनेस होती है, एंड आई रियली लाइक दैट इन माई सॉन्ग्स. सो उसको प्ले करने के लिए हम रिंग फिंगर को पिंकी फिंगर से रिप्लेस कर देंगे, एंड देन रिंग फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग पर रख देंगे थर्ड फ्रेट की, सो इट विल साउंड लाइक. सो आई होप यू आर एबल टू हेयर द डिफरेंस, एंड अगेन आप जिस भी कॉर्ड से कंफर्टेबल होंगे यू शुड प्ले दैट. आपको कोई नेसेसरीली एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रमिंग पैटर्न, तो सो द स्ट्रमिंग पैटर्न हमारा बहुत ईजी है, इट स्टेज द सेम थ्रू ऑफ द सॉन्ग. तो जो एक गोल्डन रूल है दैट इज़ यू डू नॉट हैव टू फॉलो, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू फॉलो अ गिवन स्ट्रमिंग पैटर्न ऑफ द सॉन्ग. आपको वो स्ट्रमिंग पैटर्न चूज़ करना चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एंड एटलीस्ट उसका रिदम, उसके बीट्स, उसका जो टेम्पो है वो मैच करना चाहिए सॉन्ग से, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. सो फॉर द बिगिनर्स द स्ट्रमिंग पैटर्न इज एज फॉलोज, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन, down down up up down up down. तो जो हम इस पैटर्न को रेपिटेटिवली यूज़ करते हैं, तो हम इन दो पैटर्न के बीच में एक फिलर पैटर्न भी डाल देते हैं जिससे हम डाउन अप कर देते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो गैप होता है बीच में वो इसमें म्यूजिक फिल हो जाता है, एंड इट साउंड्स मच बेटर. सो वो इवेंचुअली क्या बनेगा, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप. सो आपको जो भी जिसमें भी जस्ट भी स्ट्रमिंग पैटर्न में कंफर्टेबल हो प्ले दैट. सो नाउ कमिंग टू द कॉर्ड प्रोग्रेशंस, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ द इंट्रो पार्ट जिसमें म्यूजिक होता है, द सेकेंड पार्ट इज़ सारी उम्र हम मरमर के जीली वाले लिरिक्स, थर्ड पार्ट इज़ द प्री कोरस जिसमें नाना ना होता है, एंड द फोर्थ पार्ट इज़ द कोरस जिसमें गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन लिरिक्स है. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो द म्यूजिक पार्ट, तो हम क्या करेंगे, सी प्ले करेंगे फिर एफ प्ले करेंगे, और इस कॉम्बिनेशन को हम 3 बार प्ले करेंगे.
उसके बाद लास्ट में हम सी करेंगे फिर जी करेंगे एंड दैट्स इट दैट वाज द इंट्रो सो लेट्स सी हाउ इट साउंड्स लाइक तो जो ट्रांजिशन है तो हम सी से एफ में जो ट्रांजिशन करेंगे वो हम करेंगे लास्ट डाउन स्ट्रम पे तो स्ट्रमिंग पैटर्न पे फिर से आते हैं इट्स डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन ये जो लास्ट डाउन स्ट्रम था इसके अंदर हम ट्रांजिशन करेंगे सी से एफ पे सो ये जो ट्रांजिशन लास्ट डाउन स्ट्रम पे होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इंट्रो पार्ट में होता है एंड जो बाकी के जो तीन पार्ट है उसके अंदर जो ट्रांजिशन रहता है वो होता है हमारा फर्स्ट अप स्ट्रम पे तो डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन ये जो अप था फर्स्ट वाला दैट इज़ वेयर हमारे जो बाकी के तीन पार्ट्स के जो वर्स है प्री कोरस है कोरस है इसके ट्रांजिशन होंगे सो दैट वॉज द इंट्रो कमिंग टू द वर्स तो वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि वर्स के लिए हम सी प्ले करेंगे फिर जी प्ले करेंगे एंड ये कॉम्बिनेशन हम तीन बार रिपीट करेंगे एंड लास्ट में हम करेंगे एफ एंड देन जी सो व्हेन यू डू दैट इट साउंड्स लाइक सो दैट वाज द वर्स कमिंग टू द प्री कोरस ना 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 पार्ट तो प्री कोरस में क्या होगा कि हम जो कॉर्ड्स यूज करेंगे वो सेम पैटर्न होगा हमारा जैसे हमारा म्यूजिक में था जैसे इंट्रो में था बट हमारा जो स्टाइल है ट्रांजिशन का वो होगा जैसे बाकी के तीन कॉर्ड्स बाकी के तीन पार्ट्स थे सो द प्री कोरस साउंड्स लाइक वॉज द सेम एज द इंट्रो पार्ट बट लास्ट में हम एफ जी के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ जी कॉर्ड बजाएंगे दो बार सो दैट वॉज अ प्री कोरस नाउ कमिंग टू द कोरस पार्ट सो कोरस पार्ट के लिए इट स्टेज द सेम एज द वर्स तो हमारा सी जी थ्री टाइम्स एंड देन एफ जी सो दैट वॉज इट सो दीज वर द फोर पार्ट्स एंड नाउ लेट्स सी हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक That was Give Me Some Sunshine from the movie Three Idiots. I really hope that you enjoyed and learned from this lesson. Let me know how you liked it in the comment section.
or maybe just say hi. If you have any particular song in your mind, just drop it in the comment section and I'll try to come up with a lesson for that song. And I think that's it for today's lesson. Don't forget to share and subscribe, and I will see you in the next one. Take care. Bye-bye.